कोरोना फैला कर स्वागत करो। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से प्रार्थना है कि कृपा पूर्वक वे अपने विचार व्यक्त करें। मेरे सारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के सभी मेरे सामान्य सदस्यगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी मेरे सामान्य बंधुगण, सर्वप्रथम आप लोगों को होली और रंग पंचमी दोनों की बहुत बहुत बधाई, और उसी के साथ जो कोलारस और मुंगावली में कांग्रेस का परचम दोबारा लहराया है उसके लिए भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथीगणों ने निष्पक्ष रूप से पूर्ण समय रिपोर्टिंग की थी, उनको भी मैं तह दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। यह जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं रही, यह जीत जनता की जीत रही है, यह जीत आगाज करती है कि आगामी आने वाले चुनाव में जनता का रुख, सोच, विचारधारा और विश्वास किस तीव्र गति से कांग्रेस के प्रति बढ़ चुका है। और पिछले एक वर्ष में चाहे अटेर का उपचुनाव रहा हो, झाबुआ लोकसभा का चुनाव रहा हो, चित्रकूट का चुनाव रहा हो, नगर पंचायत नगर निकाय का चुनाव रहा हो, और अब कोलारस और मुंगावली का चुनाव रहा हो, जनता ने ये स्पष्ट संकेत नहीं लेकिन आग्रह कर दिया है कि अब भाजपा की विदाई मध्य प्रदेश से तय हो। मुझे इस बात की भी बेहद संतुष्टि है कि जितने भी उपचुनाव ग्वालियर चंबल संभाग में रहे पिछले 14-15 वर्षों में, उन सारे के सारे उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है। चाहे शिवपुरी क्षेत्र का उपचुनाव रहा हो, चाहे गोहद का उपचुनाव रहा हो, और अब ये दोनों उपचुनाव रहे, इसका श्रेय मैं क्षेत्र की जनता को देता हूं जिनका अपार आशीर्वाद अटूट विश्वास कांग्रेस के साथ रहा है। इसका श्रेय मैं स्थानीय आम कार्यकर्ता को देता हूं जिन्होंने पिछले 6 महीनों से रात दिन एक करके इस चुनाव में अपना पूरा योगदान दिया है। इसका श्रेय मैं कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को देता हूं जिन्होंने घर गृहस्थी परिवार को छोड़ के तन मन से क्षेत्र में लगकर कार्य किया है, और इसका श्रेय मैं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी देना चाहता हूं, चाहे वो कमलनाथ जी रहे हों, चाहे अरुण यादव जी रहे हों, कांतिलाल भूरिया जी रहे हों, सुरेश पचौरी जी रहे हों, अजय सिंह जी रहे हों, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी रहे हों, जिन्होंने अपना पूरा योगदान हमारे महासचिव बबैया जी के निर्देशन में क्षेत्र में
मिलकर दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर यह चुनाव लड़ी है और यह संकेत है आने वाले समय का, जो आप लोगों का सदैव प्रश्न रहता है कि कांग्रेस में एकजुटता का प्रदर्शन होना चाहिए, वही एकजुटता का प्रदर्शन इस चुनाव से भी उसका आगाज हुआ है, जो आने वाले नवंबर के चुनाव में भाजपा की रवानगी इस मध्य प्रदेश से तय करेगा। देखिए, जहां तक चेहरे का विषय है, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी या दूसरी दल भी, हर एक राज्य की स्थिति अलग होती है। मेरी सोच विचारधारा आपके समक्ष स्पष्ट रहा है और मेरी सोच विचारधारा मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, जैसे आपने कहा, मेरी सोच विचारधारा एक राष्ट्र स्तर पर यह निर्णय कांग्रेस हाईकमांड लेती है, हमारे महासचिव लेंगे। इस पर मैं टिप्पणी करूं ये मैं उचित नहीं मानता। मैं कांग्रेस का आम कार्यकर्ता था, आम कार्यकर्ता हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक आम कार्यकर्ता ही रहूंगा। जो भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी है, पिछले 16 वर्षों की जनसेवा की जो पथ और रास्ता मैंने तय किया है, हर जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश मैंने की है, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में रहा हो, चाहे वर्तमान में मुख्य सचेतक के रूप में संसद में रही हो, या भविष्य में जो भी जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी उसको निभाना मैं अपना दायित्व नहीं समझता हूं, लेकिन अपना धर्म समझता हूं। सर सिंधिया जी, सर सिंधिया जी, आपने कहा है मुंगावली और सर कोलारस मुंगावली में आपने आपकी आवाज और चेहरे के पास ही ना हो, एक प्रश्न है कोलारस और मुंगावली ये पहले सर पिछली बार जो मार्जिन था इतना कम मार्जिन रह गया था, नहीं कहना कि जो चौकसा होना चाहिए था वो। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, पवैया जी ने कहा वहां पर शिवपुरी में कांग्रेस की नाक कट गई लेकिन लटक गई, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। देखिए, किसी और के टिप्पणी पर टिप्पणी देना मैं उचित नहीं मानता, और जिन धुआंधरों ने ये घोषणा और निर्णय किया कोलारस और मुंगावली में तो भाजपा का झंडा लहराएगा, अब किसकी नाक कटी है, किसकी आधी नाक कटी है, किसकी पूरी नाक कटी है, ये विश्लेषण मैं करूं ये उचित नहीं होगा, ये विश्लेषण तो आप करें वो ज्यादा उचित रहेगा। और जहां तक मार्जिन की बात कही गई, मैं समझता हूं कि आप में से जितने भी लोग मेरे साथ उस प्रचार के अभियान में खड़े थे, शायद पहली बार इतिहास में आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि किस तरीके से केवल मुख्यमंत्री महोदय नहीं लेकिन मध्य प्रदेश की पूरी सरकार केवल कोलारस और मुंगावली में तैनात की गई थी। और मैंने ये अपने भाषण में भी वहां कहा था कि मुझे तो लग रहा था कि शायद ये कोई मुहिम है कि विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी को भी भोपाल से शायद कोलारस और मुंगावली लेना चाहते हैं, और अगर ये चुनाव दो महीने और चल जाता तो शायद मल्लभ भवन भी वहीं आ जाता, क्योंकि पिछले 6 हफ्ते से कोई कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई थी भोपाल। तो जिस तरीके का
शासन प्रशासन मंत्रियों का उपयोग नहीं, लेकिन मैं कहूंगा यदि अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं कहूं कि दुरुपयोग किया है। जिस तरीके से ऑफिसर्स को वहां तैनात किए गए, और इस विषय में मैं चुनाव आयोग को भी साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि स्पष्ट कदम कठोर कदम चुनाव आयोग ने लिया। जिस तरीके से मैं ये कहूंगा कि भाजपा के धन बल पर जनबल की जीत, भाजपा के मंत्री बल पर जनबल की जीत, भाजपा के बाहुबल पर जनबल की जीत। जिस तरीके से मंत्री लोग वहां धमकी दे रहे थे, शायद आप में से कई लोगों ने 16 साल से ज्यादा कवर किया है मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को, तो शायद मैं गलत हूं, तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना, लेकिन मैं नहीं मानता कि कभी भी मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास में चुनाव आयोग से नोटिस और सेंसर मंत्रियों को किया गया। नोटिस और सेंसर मुख्यमंत्री को किया गया। जब मुख्यमंत्री को स्वयं चुनाव आयोग से सेंसर मिले तो फिर और क्या बचा, मैं पूछना था। जिस तरीके से पैसों की नदियां आखिरी 3 दिन में बहाई गई थी, जो आप सब वाकिफ हो, मेरा आरोप नहीं है, आप लोगों ने खुलेआम देखा है, जहां पैसे के साथ गाड़ी पकड़ी गई, पुलिस के हाथ में थमाया गया और प्रशासन स्वयं उस मंत्री को उस गाड़ी में फरार कर रहा है, और कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर लाठीचार्ज करके उसकी आंख फोड़ने की कोशिश की गई, शायद ये दृश्य हमने कभी भी कोई भी प्रत्याशी के साथ कभी ना देखा। और जिस बड़े पैमाने पे फर्जी मतदाता हमारे द्वारा पकड़े गए, 25,000 कोलारस में और 15,000 मुंगा हुई, और फिर हमें कहा गया कि अब बहुत देरी हो गई है, वोटर लिस्ट में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश की जाएगी इन फर्जी मतदाताओं को रोकने की, जिसके आधार पर एक कलेक्टर का ट्रांसफर भी हुआ। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई दृश्य हमने कभी पहला देखा हो, तो भाजपा ने जो उनके पास था झोंक दिया इस चुनाव, और उनकी एक ही कोशिश थी कि कोलारस और मुंगावली का फतेह हमको करना है। तो जहां तक नाक की बात हो, जैसे मैंने कहा वो टिप्पणी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे सामान्य है, अभी हमारी कोई चर्चा नहीं हुई इस विषय पर। एक और बात मैं जरूर कहूंगा कि जब स्वयं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी और सरदारजीत सिंह जी, जो भाजपा के बड़े वरिष्ठ सम्मान्य मंत्री, स्वयं प्रदेश की व्यथा सुना रहे, तो प्रदेश की जनता की असलियत क्या है वो आप और हमारे सामने सर, क्योंकि हमारे मुंह से हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि राजनीतिक सोच विचारधारा के आधार पर कहेंगे। नहीं, अभी जो मेरा जो सवाल था वो तो आप लोग उत्तर दे दिया कि जनबल और बाहुबल पर, मतलब धनबल और बाहुबल पर जनबल की जीत है, ये तो आपने दे दिया। अब मैं मेरे बहुत दो छोटे सवाल है, दो। एक तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि यदि सिंधिया जी का चेहरा घोषित होता है तो हमारी और शानदार जीत होगी, एक। और दूसरा, जिस तरह से पिछले चुनाव में कांग्रेस विजन ऑफ मध्यप्रदेश आप लेकर आए थे, क्या इस चुनाव में लेकर आएंगे? कांग्रेस विजन ऑफ मध्यप्रदेश। देखिए, मैं ये आपका प्रश्न बड़ा सकारात्मक और बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी भावना के साथ जुड़ी हुई है। मैं मानता हूं कि किसी भी चुनाव में विपक्ष होने के नाते केवल सत्ताधारी दल के ऊपर कटाक्ष और उनकी कमियों को उजागर करना काफी नहीं है, लेकिन हमें जनता के समक्ष जाना होगा, हमें आपके समक्ष जाना होगा हमारी सोच विचारधारा के साथ कि अगर हमें 5 साल मिले तो हम लोग क्या करेंगे, और इस पर अभी कार्य हम सब मिलकर कर रहे हैं। बबलिया जी के
निर्देशन में हम लोग सब मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश के लिए हम लोग बनाएंगे कि अगले 5 साल के लिए हमें मौका दिया जाएगा तो किस स्थिति में हम मध्य प्रदेश में कार्य करेंगे, किसानों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे नौजवान के लिए जो आज बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या हमारी सोच विचारधारा होगी, सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश के लिए। ये नहीं कि खोखले इन्वेस्टर मीट कर लो, 4.5 लाख करोड़ के MOU की घोषणा कर लो और धरातल पे एक भी औद्योग का निकाय मध्य प्रदेश में ना लगे। ये मायाजाल की रणनीति और सोच विचारधारा हमारी नहीं। हमारी कोशिश है कि हम कम आश्वासन दें लेकिन उससे ज्यादा करके हम दिखाएं, यही हमारी कोशिश है। सर त्रिपुरा इलेक्शन की बात, सर एक्सक्यूज मी, कैन आई कम टू यू सर? सर त्रिपुरा इलेक्शन के बाद शिवराज जी ने एक इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी बनाई है, तो ये क्या लगातार बाय इलेक्शन में हार रहे हैं उसके बाद वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इतने सीरियस हुए हैं मध्य प्रदेश में? भाजपा जो भी कोशिश करे, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता अब तैयार परिवर्तन है। और मैंने ये कहा भी था, आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये सेमीफाइनल, मैंने तो कहा था कि आप मत समझना कि ये सेमीफाइनल है, आपको समझ लेना कि ये फाइनल ही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे खरगोन खंडवा, ग्वालियर चंबल, विंध, अनूपपुर शहडोल, मंदसौर नीमच, मालवा, अलीराजपुर झाबुआ, समूचे पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने अब अपना मन बना लिया है कि भाजपा की रवानगी हमको तय करना है। सर सॉरी सर, आपने दो चुनाव जीते, असली बात है ईवीएम की सत्यता पर, उसकी विश्वसनीयता पर। त्रिपुरा के चुनाव में विरोध पर वसूली एक बहुत लॉन्ग रिजल्ट दिया है। चुनाव प्रदर्शन पहले भी कांग्रेस कह चुकी है कि ईवीएम की विश्वसनीयता का आपके दो चुनाव जीत के उस विश्वसनीयता पर जोर लगाना चाहते हैं। देखिए, जहां मैं कहूं मेरा स्वयं अनुभव रहा है, चाहे अटेर का चुनाव रहा हो, Kindly let me answer. You pose your question, give me an opportunity to answer. जहां तक अटेर का चुनाव का विषय है और कोलारस और मुंगावली का चुनाव का विषय है, ये आप ना भूलें कि अटेर के चुनाव के दौरान ही जो मशीन में गड़बड़ियां थी वो हम लोग नहीं उजागर की, जो बाद में जाकर राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हुई। और उस समय चुनाव आयोग ने फौरन तहकीकात की थी, फौरन उन मशीनों को बदला था। जो अटेर का चुनाव का नतीजा भी आया था उसमें भी मैं मानता हूं चुनाव आयोग की एक बहुत अहम भूमिका रही थी निष्पक्षता बनाए रखने की, और उसके लिए भी चुनाव आयोग को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। सर हम लोग ने पिछले तीन चुनाव, तीन बाय इलेक्शन देखे हैं, अटेर का, कोलारस का और ये मुंगावली का। तीनों जगह एक डिफरेंट तरीके का इलेक्शन पैटर्न कांग्रेस की तरफ से लड़ने का देखा, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिंधिया इलेक्शन स्टाइल, जिसमें मैन टू मैन मार्किंग और मतदाता सूचियों को देखना और फिर आपके लोगों द्वारा 6-6 महीने पहले वहां कैंप करना, क्या इस स्टाइल को मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव में आप लागू करेंगे क्या? सर एक छोटा सवाल और ये है, क्या अब आप भोपाल में मकान देख रहे हैं, इस खबर में कितनी सच्चाई है? मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगा। मैं भोपाल में मकान ढूंढने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, मैं भोपाल की जनता और आपके दिल में स्थान पाने के लिए इच्छुक। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि मैं मानता हूं ब्रजेश की किसी भी चुनाव को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, चुनाव चुनाव होता है। और यही आप में से कई लोगों के साथ जो 2 महीने पूर्व हम लोगों ने चर्चा की,
हर चुनाव को गंभीरता से लेना, हर चुनाव के लिए मजबूती से तैयारी करना, क्योंकि हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है, लड़ाई में सदैव प्रतिद्वंदी का मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में कई जगह पर ये गिरावट भी आ चुकी है। प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी रहता है, प्रतिद्वंदी दुश्मन नहीं होता। और ये मानसिक सोच विचारधारा भी प्रजातंत्र को स्वच्छ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस प्रतिद्वंदी का आप सामना कर रहे हो, आपको अपने घर को मजबूत पहले करना। अगर प्रतिद्वंदी चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप चुनाव का तैयारी मत न करो। तो मेरी सदैव यह सोच विचारधारा रही है, केवल कोलारस मुंगावली और अटेर के चुनाव के लिए नहीं, लेकिन शिवपुरी का बाय इलेक्शन हो, सांवेर का चुनाव रहा हो, जो जिस भी चुनाव में जिम्मेदारी मैंने ली है, चाहे मेरे स्वयं का चुनाव हो, कि हर चुनाव को आप पूरी गंभीरता से और चुनाव ऐसे लड़ो आप कि जैसे आप चुनाव हार रहे हो, तभी आप उस जीत के चौखट पर पहुंच पाओ। और मैं मानता हूं कि पूरे प्रादेशिक स्तर बबरिया जी के निर्देशन में हम लोग एक साथ मिलकर, हमारी सोच विचारधारा यही है कि कांग्रेस को अगर हमें मजबूत करना है तो वो अरुण यादव या ज्योतिरादित्य सिंधिया के आधार पर मजबूत नहीं होगा। वो तभी मजबूत हो पाएगा जब आप हर पोलिंग पर हर कार्यकर्ता को आप मजबूती से तैनात करोगे और वो एक एक कार्यकर्ता तन और मन के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए एकजुट होकर कार्य करेगा। सर ये करके, सर ये जो स्टैच्यू टूट रहा है, लेनिन का स्टैच्यू टूटा, इसके बाद अभी खबर आ रही है एरिया डीआर का टूटा, फिर इसके बाद अभी एक कैसे देखते हैं आप बीजेपी प्रेसिडेंट सर, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो इस तरह की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करते। सर एक सिंधिया जी इसमें एक और जोड़ दूं, अभी एक और खबर आई है कि 15 ब्राह्मणों को जनेऊ करने से रोका गया है, तो इस तरह की सारी विध्वंसकारी खबरें एक साथ आ रही हैं। सर पहले स्टैच्यूज का स्टैच्यू देखिए, ये मैं इस विषय को हम लोग पिछले 4 साल से आपके सामने हम लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज एनडीए और बीजेपी की सरकार आने के बाद पूरे देश में एक असहिष्णुता का माहौल तैनात हुआ है, जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है। मूर्ति जिसकी भी लगी हो, अगर आप किसी भी मूर्ति को खंडित कर रहे हो तो आप अपने देश की सभ्यता को आप खंडित कर रहे हो। और मुझे तो यह आश्चर्य है कि गुनाह भी वही व्यक्ति करे और गुनाह का विरोध भी वही पार्टी करे। आपने दो उदाहरण मुझे दे दिए, दोनों उदाहरणों में अगर प्राथमिक तौर पर कोई जिम्मेदार है तो वो भाजपा का ही कार्यकर्ता जिम्मेदार है। बायां हाथ गुनाह करता है और दायां हाथ कहता है कि उस गुनाह का मैं विरोध करता हूं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता। संसद में जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदार वक्तव्य देते हैं और प्रधानमंत्री और सारा मंत्रिमंडल चुप्पी साधा हुआ होता है जब तक विपक्ष अपनी आवाज न उठाए। और जब विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा तब ये स्टेटमेंट निकलता है कि इनका कहने का ये तात्पर्य नहीं, खेत प्रकट नहीं करता। इतना कि हमारे संविधान के ऊपर भी कीचड़ उछाला जाता है। दक्षिण भारत के एनडीए के एक मंत्री के द्वारा कि संविधान को बदलने का सुनाया चुका। तो ये तो मैं मानता हूं कि एक सोची समझी हुई साजिश है इस भारत की धर्मनिरपेक्षता उदार विचारधारा को खंडित करने की एक सोची समझी हुई साजिश है और इसमें कोई दो राय नहीं। तमिलनाडु में भाजपा के कार्यकर्ता वो श्री राजा जी ने पेरियार जी की मूर्ति के बारे में कहा था, उसके बाद वो मूर्ति खंडित हुई। वही स्थिति त्रिपुरा में,
हेगड़े जी उनके मंत्री ने संविधान बदलने की बात की, उनके सांसद कहते हैं संसद में कि नाथुराम गोडसे जी सबसे बड़े देशभक्त थे। क्या हो रहा है भारत? उनकी दूसरी मंत्री ऐसे शब्दों की प्रयोग करती हैं जो मैं आपके सामने नहीं दोहरा सकता, राम भक्त और मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। कोई संयम नहीं है इस सरकार के अंदर। मैं तो ये मानता हूं कि जनसेवा के पद पे सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, चाहे आपका पार्टी का नेता या कार्यकर्ता हो चाहे विपक्ष का हो, तभी तो उदाहरण बनेगा पूरे देश के लिए। हमारे करे तो सही, किसी और का करे तो गलत, और हमारे ने किया तो उनका ये कहने का तात्पर्य नहीं। ये विचारधारा इस देश में नहीं चलना। सर डिसेक्रेशन पे छोटा सा सवाल और है, सर 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 इसी पे देखिए, मैं तो ये कहूंगा उन चुनाव के बारे में कि जो कहा जाता है भाजपा के बारे में कि 21 राज्य में आ गए, यहाँ आ गए, वहां आ गए, हिंदी में एक कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पर लागे अति दूर। देश की जनता में आज त्राही त्राही, किसान आत्महत्या कर रहा, फसल को समर्थन मूल्य भूल जाओ, फसल को लागत का दाम भी नहीं मिलता, महिला हमारे पूरे राष्ट्र भर में असुरक्षित, नौजवान पूरे देश में आज बेरोजगार, 2 करोड़ रोजगार के अवसर देने की बात आपने कही थी, आज 1.5 से 2 लाख लोगों को भी रोजगार के अवसर नहीं मिलते। चीन में 50,000 नौजवानों को हर दिन रोजगार मिलते हैं, हमारे देश में केवल 150। तो जो एक त्राही त्राही पूरे देश में है, ये जो आप विवरण कर रहे हो असहिष्णुता का, आज भाजपा का झंडा जरूर उत्तर पूर्वी राज्य में लागू हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि देश में आज बदलाव का माहौल है। और आप देखोगे, आप कर्नाटक के चुनाव के बाद आप देखोगे आने वाले 3 चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव। आपकी पार्टी अगर टिकट चाहेगी तो 50,000 रुपए पार्टी को उसमें देना होगा, आपको क्या लगता है आपकी पार्टी का हालत क्या वाकई खराब है? देखिए, एक होती है सोच विचारधारा और समय की जरूरत। आज कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, उस मुहिम में अगर प्रत्याशियों के द्वारा राशि देने की बात हो तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बुराई, लेकिन ये आप जरूर समझिए कि जब टिकटों का आवंटन होगा निष्पक्षता के साथ, और मैं तो मानता हूं कि एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए और वो क्राइटेरिया है जीतने का आधार, और कोई क्राइटेरिया टिकट के आवंटन में नहीं होना चाहिए, और मैं तो मानता हूं विश्वास है ना कोई और क्राइटेरिया होगा, केवल विजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएसपी ने आपको समर्थन दिया था, क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीएसपी के साथ आपका अलायंस संभव है? अभी हम लोगों ने इस पर निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि समय की मांग है, समय की पुकार है कि जिन दलों में एक सोच एक विचारधारा है उन सबको साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए। मेरी सोच विचारधारा है कि जितने लोगों को हम अपने साथ मिला पाए वो ज्यादा अच्छा होगा आने वाले समय को देखें।
आखिरी प्रश्न सर, मिंटो हॉल के पास जो 5 एकड़ जमीन है, सरकार उसे 25 लाख रुपए के टोकन में 5-स्टार होटल को देने की तैयारी कर रही है। टेंडर हो गया 13 तारीख लास्ट है, उसको कांग्रेस ने अभी तक मुद्दा नहीं बनाया। एक चीज और, कोलारस मुकाबले के चुनाव के परिणाम आने के बाद सीएम ने अपने जनपद पर कई घोषणाएं की, उसमें 2 घोषणाएं ऐसी हैं जो 2004 से चल रही है, 14 साल पुरानी घोषणा को सीएम करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, धन्यवाद करने भी कल गए थे सीएम। मेरे मुख्यमंत्री महोदय घोषणाओं में बहुत माहिर है। हर चुनाव में कम से कम 200 से 300 घोषणाएं होती हैं, और मैंने आप में से एक पत्रकार के अखबार में मैंने देखा था, 22,000 घोषणाएं हवा में, सीएम की 22,000 घोषणाएं हवा में, या आपके में से एक ही पत्रकार के अखबार में था, और कितनी घोषणाएं अखबार में है, विभागों में 8 घोषणाएं, नगरीय प्रशासन 1,845, पंचायत ग्रामीण विकास 1,519, लोक निर्माण विभाग 1,504, राजस्व विभाग 1,480, हेल्थ विभाग 1,285, गृह विभाग 1,250, स्कूल शिक्षा विभाग 1,144, उच्च शिक्षा विभाग 853, कृषि विभाग 848, जल संसाधन 790, ये चलते चलते 22,221 घोषणाएं आज भी हवा में। और मैं मानता हूं, मैं अपनी बात छोड़ लू, बुरा मत मानना, आपकी बात भी छोड़ लू, मैं मानता हूं कि प्रदेश की जनता जानती है। सर मिंटो आपको जिस तरह से मुझे उसकी बात बारे में पूरी सूचना नहीं है, तो जिस सर थैंक यू सर, मैं आपके